हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। UP SSC युवा कल्याण अधिकारी का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है UP SSC की, उस पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी जो ये टेस्ट सीरीज़ है हिंदी की, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ में कराऊंगा, और ये पूरा पैटर्न है UP SSC युवा कल्याण अधिकारी का। तो जितनी भी आपकी प्रैक्टिस अभी तक हो चुकी है, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल फॉर्म से अपना रिवीजन कीजिए, हिंदी पे ध्यान दीजिए, और करेंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, और जो भी करेंट अफेयर हैं उत्तर प्रदेश के, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, और जो करेंट अफेयर पूरे इंडिया के हैं उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कम से कम 6 महीने का करेंट अफेयर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस नंबर 4, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और, हम लोगों ने जो टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें आपको युवा कल्याण अधिकारी की अगर वीडियो आपको नहीं मिलती है, तो वहाँ पर आपको नोट्स PDF प्रोवाइड होते हैं। तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, इस वीडियो का PDF भी आपको उसमें मिल जाएगा, और आंसर भी, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम है, लिंक है एकेडमी एनीवेयर का, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपका सजेशन हो, क्वेरी हो, वो पूछ सकते हैं। वीडियो पर आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमसे जुड़ के डायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग अपने या एग्ज़ाम के। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपके सजेशन से ही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन है, वो है रंग शब्द में क्रिया बनाती है, बनती है। रंग शब्द है, शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, रंग शब्द है, रंग शब्द में क्रिया बनती है। ऑप्शन है रंग वाला, रंगीन, रंगाई, या रंगना। ऐसे ही क्वेश्चन, यही पैटर्न आपका पूरा होगा। तो रंग शब्द का जो क्रिया बनेगी वो होगी रंगना। रंगना एक क्रिया है, रंग से बनती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, नीरस में कौन सा समास है। नीरस समास भी आने वाला है, तो इसको आप लोग समास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीरस में कौन सा समास है, तो वो है अव्ययी भाव समास, नीरस में समास है। करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब ये कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म नहीं है, जो कर्म जिसमें होता है उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सीता भोजन बना रही है, तो सीता बना रही है, क्या बना रही है, भोजन, इसमें कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन पूछ रहा है कौन सी नहीं है। रमेश रोज पढ़ने जाता है, तो इसमें कर्म नहीं है, रोज पढ़ने जाता है, लेकिन क्या पढ़ने जाता है, अगर कुछ दिया होगा जैसे संस्कृत या इंग्लिश कुछ भी पढ़ने जाता है, तो वहाँ पे कर्म हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। जैसे बच्चा फल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, तो फल तोड़ रहा है कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोध शब्द जो है का पर्यायवाची है भीति, बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची नहीं है भीति, बिल्कुल नहीं होगा। संताप भी नहीं होगा क्रोध का। अमर्ष, ये करेक्ट आंसर सी है, अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। एक चीज और, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि आप लोगों को पैटर्न पता चले कि क्या क्या आ सकता है। तो दो चीजें हैं, उपसर्ग, उपसर्ग, और एक चीज होती है प्रत्यय। तो ये दो चीज आप लोग देख लीजिएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय से क्या क्या पूछा जा सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय करके जाइएगा, दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अव, अन, अधि, अति। तो अत्यंत में अति उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है किसी शब्द के, तो करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 80 तक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके कई विलोम अर्थ दिए गए हैं, दिए गए शब्द का सही विलोम अर्थ वाला विकल्प इंगित कीजिए। तो अमर है, तो इसका सही विलोम चुनना है, मृतक, मृत्यु, मरण और मर्त्य। तो अमर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मर्त्य, करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है, प्रत्यय, परोक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष है, अपरोक्ष है, ए ऑप्शन, बी परोक्ष, सुंदर और प्रत्यय। तो 77 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं,
प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परोक्ष। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है उपकार, तो उपकार का जो विलोम होगा ऑप्शन में वो होगा अपकौर, विकार, अनुपकार, तिस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर उपकार का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अविर्भाव, अविर्भाव का विलोम शब्द कौन सा है ऑप्शन में, तो वो होगा तिरोभाव। अविर्भाव का जो विलोम होता है वो तिरोभाव। तो हो सकता है इस टेस्ट सीरीज जो मैंने कराया है उससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपका हिंदी का पूरा पैटर्न पता होगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। लेकिन आप लोग टेस्ट सीरीज करिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। नेक्स्ट है सामान्य का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो सामान्य का होता है विशिष्ट, श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण नहीं होगा, सामान्य का होता है विशिष्ट। फिर वैसे ये हम लोग 81 से 85 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या पूछेगा, दिए गए प्रश्नों में मुहावरा, लोकोक्तियाँ दी गई हैं का सही अर्थ आपको सेलेक्ट करना है। सांप मारे और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसे मुहावरे आते हैं, तो इसको इसका अर्थ आपको बताना होता है। तो इसका मतलब होता है कि काम बन जाए और नुकसान भी ना हो, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है थाली का बैगन होना, तो कोई निश्चित विचार न होना, थाली का बैंगन होना मतलब कोई निश्चित आपके पास विचार नहीं होना, तो करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है काठ होना, ऑप्शन है सचेत होना, मूर्ख होना, निश्चेत होना या स्तब्ध होना। तो काठ होना का जो मतलब होता है वो होता है स्तब्ध होना, करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है पत्थर की लकीर, तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा पत्थर की लकीर होना मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दृढ़ रहना, करेक्ट आंसर ए है दृढ़ रहना। नेक्स्ट है अंगारे उगलना, ऑप्शन है क्रोध से आकर कठोर शब्द कहना, आग फेंकना, लाल पीला होना या उतावला होना। तो क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना, अंगारे उगलना, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर 5 क्वेश्चन हम लोग वैसे ही करेंगे। इसमें क्या होगा, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके पहले भी मैंने बताया है कि फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसको आपको भरना होता है। तो देखेंगे क्या है, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है 87, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, किसके साक्षात थे, ऑप्शन भरना है, तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, अपरिग्रह थे, करुणा के साक्षात अपरिग्रह थे, अनुग्रह थे या विग्रह थे या परिग्रह थे, तो वो थे महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, 87 का सी। 88 देखेंगे, उस स्त्री के फिल इन द ब्लैंक्स है, ने सभी का हृदय प्रभाव द्रवित कर दिया था, उस स्त्री के संलाप ने, आलाप ने, एकालाप ने या बिलाप ने, तो बिलाप, स्त्री रो रही थी, बिलाप कर रही थी, इसीलिए सबका हृदय द्रवित कर दिया था, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा कि उस स्त्री के बिलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया था। फिर नेक्स्ट है फिर इन द ब्लैंक्स की सीरीज में, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के की ओर बढ़ रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका डी है। अगर ऐसे थोड़े टफ आते हैं तो आप जो ऑप्शन होते हैं उसको, जो फिल इन ब्लैंक्स होता है उसमें भर भर के, उसमें फिल करके जो आपका स्टेटमेंट दिया होता है वाक्य, उसको आप लोग पूरा करके देखें कि कौन सा सही मैच कर रहा है, वही आपको भरना होता है। नेक्स्ट है आप पधारिए और ग्रहण कीजिए, जैसे इसमें हम डालेंगे पहले आप पधारिए और आसन, आसन होता नहीं है, तो आप पधारिए और व्यसन भी नहीं होता है, आप पधारिए और आसन नहीं होता है, आसन नहीं होता है, आसन होता है, तो आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है फिर 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें क्या होगा कि दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद, संधि आने वाली है, संधि विच्छेद करना है, तो पावन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वो होता है पौधन अन, करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है परंतु में जो संधि विच्छेद होता है वो कौन सा होता है, तो परम धंतु होता है, इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है। निरंतर में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो वो होगा निधन अंतर, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, सी सॉरी ये नहीं सी। नेक्स्ट है स्वार्थ में जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, तो स्वधन अर्थ होता है स्वार्थ, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग ऐसे भी शब्द आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो दर्शनाभिलाषी, देश प्रेम, ग्रंथ सूची स्त्रीलिंग है, करेक्ट आंसर इसका सी है। फिर हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन देखेंगे, 96 से 100 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जाएगा, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, स्टेटमेंट दिया होगा उसके लिए एक शब्द लिखना है, जिसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। बिल्कुल उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और सही उत्तर को इंगित कीजिए, तो जिसका वर्णन न किया जा सके। ऐसे जो स्टेटमेंट दिया था उसके लिए एक वर्ड लिखना होता है, एक शब्द लिखना होता है, वाक्य का एक शब्द लिखना होता है, उसको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखेंगे कैसे हैं, तो जिसका वर्णन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवर्णनीय। अवर्णनीय इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके उसको, उसका एक वर्ड क्या होगा, वो होगा विश्वसनीय होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो होता है वो होता है मुमुक्षु, तो करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए, केशव है, मोहन भी है, राजीव नहीं है और माधव है, तो करेक्ट आंसर सी है, राजीव जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है, तो कुंतल है, अलक का, ये सब है, शीखी नहीं है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये जो रेड बटन है इसको प्रेस करिए, और बेल आइकन को ज़रूर आप लोग दबा दिया करिए, क्योंकि जो हम वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। और एक चीज़ और, कोई भी आपका सजेशन या क्वेरी या कमेंट कुछ भी होता है, आप लोग प्लीज़ अपनी जो एक्टिविटी है, प्रतिक्रिया है, ज़रूर दिया करिए, सजेशन ज़रूर दिया करिए। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।